shared the same, I suppose. Hello? Good evening to all. Hede, Juhi, Archana, Rishika, Madhu, Pooja, Rajalakshmi, Kavaljeet, Saurabh. Saurabh ne kal ki class miss ki. Neelam Kumari, Malviya Ashok, Vijay Chavla. Is the audio clear? Aapko meri awaaz sunai de rahi hai? Jai Hind Rahul Gupta, Jai Hind. Aapki Jai Hind se energy aa jati hai. 30 log dekh rahe hain aur 18 likes hain. फटाफट लाइक बटन दबाइए. देखिए 25 पीपल आर वॉचिंग बट वी हैव 18 लाइक्स. गिव इट अ हार्ड हिट. लाइक बटन दबाइए. गिव इट अ हार्ड हिट. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल. जरा मुझे फटाफट बताइए, जिन जिन ने लाइक कर दिया लेक्चर को वो मुझे बताइए कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस फॉर आर मैराथन सेशन. एनी सजेशन और एनी डाउट्स, वट एवर यू हैव टेल मी. Okay. Hede, the audio and visual are clear. Please tell me there were any doubts or any suggestions, or you guys got the PDF which I shared for the marathon session. You got it? Hello, Akhil. Thank you, Vijay Chavla. Achha, Rahul, aapko PDF bhi mil gayi hai. Thank you, Rahul. थैंक यू अर्चना, थैंक यू कवलजीत. एनी डाउट्स, पर्टिकुलरली अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो हम थोड़ा सा उसको समराइज कर दें. और मैंने बात कर ली है, मोस्ट प्रोबेबली हम वेडनेसडे या थर्सडे को एक और मैराथन सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरी सिक्स क्लास की जो बुक है उसको कंप्लीट कर देंगे. इस बार लगभग हम फिफ्थ चैप्टर तक पढ़ चुके हैं. आपका एक ही काम है, उसको आप रिवाइज कर लें. एक बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका माइंडसेट काफी क्लियर हो जाएगा उसके लिए. ओके, वेरी नाइस. सो मोस्ट ऑफ यू, Ranvijay hasn't got the PDF. Please, Rahul, Hede, Kavaljeet, please help him. Unko PDF nahi mili hai. Aap bataiye unko PDF kaise mil jayegi. Please help him out. Help those of your friends who are not getting the right resources. Please help them out. Unko aap rasta bataiye aur wo chalne ke liye tayyar hai. Everybody is watching. Please give it a like. If you're liking the lecture, please give it a like. Hello, Aditi. थैंक यू राजलक्ष्मी. अच्छा चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर. एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है. हमने स्टोन मेकिंग टेक्निक्स की बात की थी, स्टोन टूल्स की बात की थी. आप मुझे ये बता दीजिए कि दो टेक्निक्स जो स्टोन टूल बनाने की मैंने डिस्कस की थी वो क्या थी. राहुल आप लिंक शेयर कर दीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम. और उनका नाम नोटिफाई कर देना आप, जिसके पास नहीं है उसका नाम नोटिफाई कर देना, सो दैट ही डायरेक्टली गेट्स इट. इतना सा आप मेरे लिए काम कर दीजिए प्लीज. थैंक यू सौरभ, थैंक यू करुणन, थैंक यू. नहीं 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 नहीं, मैं सवाल के पूछ रहा हूं जो स्टोन टूल्स बनाने की, जो पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बनाते थे. मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कल, नीचे दुकान ऊपर मकान वाला, याद है वो आपको. रणविजय आपको आपके फ्रेंड्स ने लिंक दे दी है, आप उस लिंक को सर्च करेंगे एंड यू विल गेट इट देयर. देखिए कमलजीत ने भी आपको बता दिया, राहुल ने भी बता दिया है, और आपके करुणन ने भी आपके लिए लिंक लिख के भेज दिया है. जी पल्लवी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है. You are welcome in this channel on this particular series where we are talking about spectrum. If you are new in this series, we have completed 14 lectures. मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पीछे के lectures देख लेंगे, if you will give some time, devote some time and complete the 13 lectures we have done till now, you will be having a better understanding of the lectures as well as modern history as a whole.
एग्जैक्टली, वेरी गुड राजलक्ष्मी, यस यस राज मेहता, प्रेशर फ्लिकिंग वन टेक्निक वी गॉट एंड अनदर इज हैमरिंग फ्लिकिंग. वी कैन से राजलक्ष्मी इट्स प्रेशर फ्लिकिंग, इट कैन बी बाय हैमर और बाय एनीथिंग. ओके विपिन, ओके रणविजय गॉट इट, पल्लवी यू आर क्लियर, लाडो मीना ओके, आप सबको क्लियर हो गया होगा, सबने मेरा चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया है, सबको मैंने आपको जो भी नोट्स वगैरह है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है. अब से मैं कोशिश करूंगा जो मेरी हर क्लास की जो हर लेक्चर की जो पीडीएफ होती है वो भी मैं आपको उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो ठीक है, नहीं बनाने तो वो आपके पास रहेगी एज अ बैकअप, इनकेस अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर लेंगे. ओके यहां तक क्लियर है? अब मुझे जो आंसर मिले सिर्फ दो लोगों से मिले, एक मिला है मुझे राजलक्ष्मी से, दूसरा मुझे मिला है राज मेहता से. बाकी लोग जिन्हें सेशन अटेंड किया मुझे उनसे भी आंसर चाहिए. राहुल गुप्ता वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए फटाफट सब आंसर दे दीजिए, दो टेक्निक्स है, दोनों टेक्निक लिख के भेज दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में. आई वांट बोथ द टेक्निक्स, दो टेक्निक्स कौन कौन सी थी वो सारी आप मुझे बताएंगे. प्लीज टेल मी बोथ द टेक्निक्स. जो भी नए जुड़ रहे हैं लेक्चर से गिव इट अ थम्स अप, लाइक बटन को बहुत जोर से दबाई, प्रेस इट हार्ड. थैंक यू राहुल, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दीजिए फटाफट. प्रेशर फ्लिकिंग और एक और कौन सी टेक्निक बताई थी मैंने? हाँ गुड 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 कवलजीत, वेरी नाइस, वेलकम देवरम, हेलो. जी हाँ, एक तो हम स्टोन पे स्टोन मार रहे हैं, दूसरा हम हैमरिंग कर रहे हैं, दो तरीके से हमने डिस्कशन किया था, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे. हाँ आकाश, आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप देख लें, नंबर एक. दूसरी चीज, जो हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जो कमेंट्स हो रहे हैं तो उनमें से आप ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल गो फॉरवर्ड विद इट. ओके हिडे नाइस. चलिए आई थिंक आपको पुरानी क्लास जो हमारी सिक्स जो क्लास है जिसमें हमने 1-5 समराइज किया था वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. हम रिवीजन करते रहेंगे उसका, ये आपके एंड पे है, आपको इसका रेगुलर रिवीजन करना है. रेगुलर रिवीजन इसीलिए करना है इससे आपकी एंशियंट हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाएगी. मैंने टाइमलाइन वगैरह सब डिस्कस किया है. आगे आने वाली क्लास में जब हम बाकी के चैप्टर जो हमारे 5-6 चैप्टर बचे हैं उनमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इन चीजों का, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन तब तक आप अपने एंड पे रिवीजन करते रहें. ओके आज हम क्लास में बात करने वाले हैं जो हमारा सैटरडे से जो कंटिन्यूएशन चल रहा है, सैटरडे का आज हम फिर से मंडे को लेके आए हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857. हमने बहुत सारी तमाम बातें की, क्या वजह थी, क्यों हो रहा था, और पीछे की बैकग्राउंड बहुत जरूरी है. जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती, ये सबसे पहले हमें याद रखने की जरूरत है. कोई भी अनायास नहीं होने वाली चीज, कोई भी बिना वजह चीज नहीं होने वाली है. कोई भी चीज अगर हो रही तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है. अगर आपने एक डिटर्मिनेशन, एक गोल, एक टारगेट फिक्स किया है एक यूपीएससी करने का या फिर आईएएस बनने का, तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजह होंगी. एक पर्टिकुलर वजह नहीं होगी कि आप सुबह उठे और आपको लगा मुझे आईएएस बनना है, बात खत्म. कितने पहले से आपके दिमाग में ये चीज आ रही होंगी, शायद आपकी दिमाग में 5th क्लास में कभी आपने किसी बड़े आईएएस अधिकारी को देख लिया होगा, एक आईएएस ऑफिसर को देखा होगा, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी. या फिर कभी आपने किसी को प्रॉब्लम में देखा होगा और आपको लगा होगा कि दिस इज द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, और उस जगह आपको लगा होगा कि इफ आई वाज एडमिनिस्ट्रेटर आई वुड हैव डन दिस थिंग बेटर देन अदर्स. तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं और दे बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर्स. वो डिसाइडिंग फैक्टर्स बन जाते हैं आपको कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ. और डिसाइडिंग फैक्टर्स आपके बहुत धीरे धीरे क्यूमुलेट होते हैं. और जैसे मैंने एक माउंटेन के एग्जांपल से बताया था कि जो पहाड़ की चोटी है इसको आप 1857 मान लीजिए, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो हुए थे, हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस की बात की थी, ट्राइबल और पीसेंट तमाम जगह के इंसिडेंस की बात की थी, उसमें हमने बात किया था. हाँ पर्क्यूशन, सी राजलक्ष्मी, पर्क्यूशन मींस अप्लाइंग प्रेशर. लाइक यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वहां पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में भी पर्टिकुलरली अप्लाई प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर साउंड कम्स आउट. सो दीज आर पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे आप कहेंगे तो प्रेशर के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो प्रेशर और पर्क्यूशन इज सेम. हाँ जूई स्टोन और स्टोन भी आप उसको कह सकते हैं, हैमरिंग विद द स्टोन, दोनों चीजें लगभग टेक्निकली करेक्ट है. तो मैं यहां बात कर रहा था डिसाइडिंग फैक्टर्स की, रिवोल्ट में जो डिसाइडिंग फैक्टर्स थे. आज हम चालू करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 14, और लेक्चर नंबर 14 चालू करने के पहले बिना ज्यादा डिले किए हुए थोड़ी सी मैं चर्चा आपके मेरे बारे में कर लेता हूं. मेरा नाम है सुयश कमल सोनी, मैं इस लेक्चर को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें हम स्पेक्ट्रम को समराइज कर रहे हैं.
मैंने मास्टर्स किया है 8 में, साथ में एमटेक भी किया है, यूजीसी नेट रिसेंटली क्वालिफाई किया है और जीआरई टॉफिल भी क्वालिफाई किया है। लगभग 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 5000 से ज्यादा छात्रों का मैं मार्गदर्शन कर पाया हूं अभी तक और गिनती बढ़ती जा रही है। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी चर्चा जो मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, कुछ नई चीज सीखने के मिले जब आपको चारों तरफ से एक विजन जनरेट हो जाए कि आपको सीखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक समिट हो रहा है अनअकैडमी का। समिट ऐसा है, 2020 का यह समिट आपका 26, 27 और 28 जून को होगा। इस पूरे समिट में जो चर्चा की जाएगी, इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 56 आइकॉनिक स्पीकर्स, एक से एक बढ़िया स्पीकर्स, पैनल्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होने वाली हैं और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस पूरे समिट में। अब इस समिट में ये सारी वर्कशॉप होंगी तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्ती आ रही हैं, फिल्म स्टार्स हैं बॉलीवुड से या फिर पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, क्रिकेट से। आप देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, वो भी आ रहे हैं, शशि थरूर आ रहे हैं, किरण बेदी, तो तमाम बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। जो आपको रजिस्टर करना है उसके लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी हमसे नया जुड़ता है, गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करते जाइए। आप जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, आप देखिए कितने सारे ऑफिसर्स भी यहाँ आ रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आईएएस और बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑफिसर्स। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या परेशानी होती है, क्या उन्होंने गलतियां करी जिससे उनकी तैयारी में कमी रह गई या किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग देयर। एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, एक से एक पर्सनालिटीज आपको अपनी कहानियां बताएंगे। इसमें डिस्कशंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लीडर्स आपको बताया जाएगा कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है, किस तरीके से आप लीडर बन सकते हैं, एथिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर आप किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी क्यों, क्यों यूपीएससी, इसकी भी चर्चा की जाएगी। हम सब बहुत कम लोग होते हैं ये समझ पाते हैं कि यूपीएससी क्यों, या फिर हम समझा नहीं पाते बहुत लोगों को हम यूपीएससी के लिए इतने दीवाने क्यों हैं, हम क्यों इतने घंटे पढ़ रहे हैं। कल मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा डेडिकेशन, जितने समय मैं आपके साथ लगा रहा उतने समय आप भी मेरे साथ थे। ऑल 3 आवर्स वी वर सीरियसली स्टडिंग, वी वर सीरियसली ट्राइंग टू क्रैक 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री, एंड दैट शोज योर डिटर्मिनेशन। ये शो करता है कि आप कितनी बुरी तरीके से यूपीएससी को चाहते हैं, कितनी हद तक आप जा सकते हैं उसको पाने के लिए। दिस डिटर्मिनेशन, दिस पैशन, दिस विल लेट यू बिकम अ ऑफिसर। फिर अनअकैडमी के बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं, वर्कशॉप्स जो होंगी उसमें, डिस्कशंस होंगे उसमें, बहुत सारी चीजें होने वाली जिससे आपको समझ में आएगा। अब यहां तक तो हमने बात की जो हमारा सबमिट होने वाला है उसकी, इसके बाद हम कुछ प्रिपरेशन की बात करें तो एक बैच चालू होने वाले हैं, 3 मेगा बैचेस चालू होंगे जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और वो आज से चालू होने वाले, 22nd of June से चालू होने वाले। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग मिशन से, चाहे आप अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करें, इंग्लिश में आपको चाहिए, बाय लैंग्वेज चाहिए या फिर आपको पर्टिकुलरली हिंदी में चाहिए, तीनों बैच आपको अवेलेबल हो जाएंगे। Somebody who is very not very good with Hindi, he can get opt for an English session. Somebody who is not very good in English, he can opt for a Hindi session. उसके अलावा आप देखेंगे तो हम एक मिक्स्ड, जिसमें हम bilingual कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उस तरीके के आप पर्टिकुलर चीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा था आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये फीस वगैरह की हैं। तो इसमें आपको एक बात हमेशा की तरह याद रखनी है, जो मैं आपको हमेशा चर्चा करता हूँ, कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है, हमारा चैनल का जो कोड है स्टडी आईएएस, इसको यूज करें और निश्चित रूप से आपको डिस्काउंट की प्राप्ति होगी। तो ये बात आपको बस याद रखनी है कि आपको डिस्काउंट की प्राप्ति कैसे होने वाली है, आपको डिस्काउंट की प्राप्ति होने वाली है हमारे कोड को यूज करके। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप समझ लीजिए कि एक अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप कर रहा है। जब भी आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते होंगे उसके पहले आपको ये एड दिखती होगी। ये एड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूरा चैंपियनशिप जो होने वाला है वो फ्री टेस्ट है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं फ्री में, और एनरोल करिए फ्री में। एक से एक दिग्गज बड़ी बड़ी कोचिंग, आप मृणाल सर को जानते हैं, राकेश वर्मा सर को जानते हैं, आतिश माथुर सर को जानते हैं, एक से एक बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े फैकल्टीज, बड़े बड़े मेंटोर्स इस पेपर को बनाने के लिए, इस पेपर को डिजाइन करने के लिए काम कर रहे हैं, इसको रिव्यू करने के लिए काम कर रहे हैं। पेपर के बाद भी क्लासेस होती हैं जिसमें आपकी जो गलतियां हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और उस पर बात की जाती है कि ये चीज आपने इसलिए गलत कर दी, या फिर अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपके लिए ऐड हो जाता है। और जिंदगी में आप मेरे दोस्त हैं, आप ये समझिए, जिंदगी में अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो उसका एक ही रास्ता है, आप अपने आप को टेस्ट करते चलिए। अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आप घर पर बैठ के पेडल मारेंगे तो साइकिल चलाना नहीं सीख जाएंगे। यू हैव टू हिट द रोड, आपको रोड पे जाना पड़ेगा, रोड पे आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। जब आप गिरेंगे तब आप सीखेंगे और तब आप बेहतर बनेंगे, ये जिंदगी है। उसी तरीके से जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, आप फेल होंगे, लेकिन एक दिन आएगा आप पास होंगे। तो इसीलिए स्टेप टू सक्सेस बहुत साधारण सी कहावत है, इस तरीके से आप फेल होते होते एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है, यहां तक आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे।
जब आप अपने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस बना लें, आपकी जो सक्सेस है, आपका जो फाइनल गोल है, उस तक का डिसीजन की रास्ता बना लेंगे। हाँ अर्चना, हाउ टू एनरोल, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने इसका पूरा लिंक दिया है। सबने वीडियो लाइक कर दिया है। लाल सिंह, वेयर वर यू, यू मिस द क्लास यस्टरडे, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। एनीबडी हैज डाउट रिगार्डिंग द आर समिट और रिगार्डिंग द चैंपियनशिप विच वी आर हैविंग? अर्चना, यू गॉट माई आंसर? ओके राज मेहता, यू आर क्लियर टिल हियर, वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया, राहुल गुप्ता आपको भी क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया है। अब हम हमेशा बात करते हैं अपने मुद्दे की, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। हमने एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन की बात कर ली थी, ब्रिटिशर्स की पूरी बात हो गई थी, बंगाल की पूरी बात हो गई थी, बंगाल के बाद मैसूर, ये तमाम चीजों की हमने बात कर ली थी, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा आप पुराने लेक्चर्स देखें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन, प्लीज डू वॉच आर अर्लियर लेक्चर्स सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर वी आर डिस्कसिंग टिल नाउ। फॉर दोज ऑफ अस हु हैव जॉइंड अस टुडे, आज उनका पहला लेक्चर है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आपके फायदे के लिए है, प्लीज डू वॉच द अर्लियर वीडियोस, दे आर नॉट मच, दे आर जस्ट 13, 13 वीडियोस है आपको देखना, और 13 वीडियोस में बड़े आराम से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी, ट्रीटीज के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल के बाद हमने एक और बात यह भी कर ली थी, किस तरीके से डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, या फिर आपकी दूसरी पॉलिसीज है जैसे सब्सिडियरी अलायंस या फिर रिंग ऑफ फेंस, इसके बारे में बात करने के बाद बाहरी लोगों से, जो एक्सटर्नल पावर्स है, चाहे बर्मा, चाहे नेपाल, चाहे अफगानिस्तान, दीज ऑल कंट्रीज और फ्रंटियर्स वेयर डिस्कस्ड हाउ ब्रिटिशर्स मेड रिलेशनशिप्स, हाउ दे मेंटेन रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल नेबर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। फिर हम बात करने वाले थे 1857 का रिवॉल्ट कैसे चालू हुआ, हमने इसके पॉजिटिव फैक्टर्स देखे थे, हमने ये भी बात किया कि इनिशियल फेजेस में 1857 वॉज नॉट अ फाइनल पॉइंट, या फिर ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज नॉट बॉर्न, इट वॉज बॉर्न बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द स्मॉल इवेंट्स which took place in the pockets of all different areas of India. Rather, it's Chhattisgarh or it's Jharkhand or it's Maharashtra, everywhere, every small pocket, or it's Awadh or it's Bengal, everywhere, some or the other, these kind of movements or mutinies or revolts were taking place in small number or in particular areas. Even in northeastern area, I discussed about Khasi. Khasi ke baare mein humne baat kiya, Khasi Hill ke baare mein humne baat kiya tha, south mein humne baat kiya tha, Puligars ke baare mein, uske baad humne jo aapke Kerala Simham kehte the jinko, unke baare mein bhi charcha ki thi, Awadh ke baare mein charcha ki, humne Odisha ke baare mein charcha ki hai, सब जगह के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, हर एंगल से हमने देख लिया था कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे हो रही, पीछे इसके क्या है, बैकग्राउंड इसका क्या है, हर चीज हमने समझ ली थी। हम फाइनली आ गए थे 1857 पे। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आपका स्वागत है, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। अलीशा, यू आर न्यू हियर, सो जैसे जितने भी लोग नए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन मी एज वेल एज वॉच माई लेक्चर्स। हेलो सैंडी, यू आर लेट। चलिए तो हम बात कर रहे थे आपसे जनरल रीजंस के। जनरल रीजंस में सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक कॉजेस बता दिए थे। इकोनॉमिक कॉजेस में मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, हमारा एक जो बेसिक मूल मंत्र है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बता दिया था। बेसिक फॉर्मूला जरा आप फिर से मुझे बता दीजिए, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, आई जस्ट वॉन्ट द बेसिक फॉर्मूला विच वी ऑलवेज डिस्कस। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, समथिंग विच इज वेरी इंडिस्पेंसिबल, विच इज इंपेरेटिव फॉर ह्यूमन लाइफ, आई वॉन्ट दैट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला प्लीज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट अर्चना, वेरी नाइस राजलक्ष्मी, वेरी नाइस। तो हम बात कर रहे थे, हमेशा ही हम बात करेंगे, जब भी हम किसी भी डिस्कशन में देखें, हम बात करेंगे आरकेएम की, हम बात करने वाले रोटी कपड़ा मकान की। कल के हमने देखे हिस्ट्री के लेक्चर में जब हम इंशंट की बात कर रहे थे, इंशंट पे भी हमने रोटी कपड़ा मकान का रेफरेंस दिया था। ये हरी जगह आपको बड़े आराम से फिट बैठने वाला है। इकोनॉमिक कॉजेस में एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके साथ। इकोनॉमिक कॉजेस में हमने बात की थी किस तरीके से लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया, लैंड साइज को श्रिंक कर दिया गया, टैक्सेशन बढ़ा दिए गए, आपकी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान हो रहा था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहे थे, इस वजह से क्या होने वाला है, आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाने वाली है, पीसेंट्स बढ़ जाने वाले हैं विलेज में, ज्यादा लोग काम करने वाले एग्रीकल्चर में, लेकिन प्रोडक्शन जो है, द प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। द प्रॉब्लम हियर लाइज इज द प्रोडक्शन इज सेम, दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
disguised unemployment, we have discussed in earlier chapters. You guys know it. If you don't know it, somebody who knows it should give it in the comment box. Comment box में आप पेश कर दीजिए कि disguised unemployment क्या है, और अगर आपको इस पे फिर भी doubt होता है तो I'll explain it to you. तमाम नई नई policies आए, आप देखेंगे Warren Hastings की आपकी permanent settlement, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फिर रैयत बारी की बात करेंगे, महल बारी की बात करेंगे, तालुकदार की बात करेंगे, जमींदार की बात करेंगे. आपको बेसिक आइडिया ये रखना है, ये सिंपल सिंपल रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम थे. किसी में गांव से सीधा रेवेन्यू लिया जाता था, जिसमें मालवारी कहेंगे. फिर रैयत, जो छोटे छोटे रैयत बना दिए जाते थे. रैयत का मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसमें आप एक जो पर्टिकुलर पीसेंट्स है उनको रैयत कहते थे. उनसे पर्टिकुलर आप पैसे लेंगे तो आपका रैयत बारी हो जाएगा, जिससे आप पैसा लेने वाले. फिर उसके बाद आप देखेंगे जमींदार में एक आदमी को हेड बना दिया जाएगा और वो सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देगा, तो वो जमींदारी सिस्टम है. इजारेदारी सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, किस तरीके से अगर वो पैसे नहीं भर पाते थे, वो टैक्सेस नहीं दे पाते थे, तो क्या होने वाला है. अब टैक्सेस नहीं दे पाएंगे तो फिर उनको टैक्सेस भरने के लिए मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ेंगे. मनी लेंडर उनसे क्या करेगा, मोर्गेजिंग में कहेगा आप अपनी जमीन रखिए. जमीन जब मोर्गेजिंग में रखेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे उसका एस्टेट उसके हाथ से चला जाएगा. उसका जो लैंड है, वो लैंड पूरा उसके हाथ से छिन जाएगा, उसका एस्टेट उसके हाथ से छिन जाएगा. लैंड छीना गया, छीन लिया गया जमींदारों के हाथों से. यहां तक क्लियर है आपको? मैंने सारी चीजें आपको एक कॉन्साइज वे में बता दी, सारे रीजंस आपको इकोनॉमिक रीजंस क्लियर हो गए होंगे. एग्जैक्टली, वेरी नाइस विजय चावला, राजलक्ष्मी. एग्जैक्टली, आपको उसका पेरिफेरी समझ में आ रही है, दैट इज वेरी नाइस. सब लेक्चर को लाइक कर रहे हैं ना, एवरीबडी हैज हिट द लाइक बटन. एक और इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो ये था कि जो आपकी कंपनी है, कंपनी में इंटरनली काफी ज्यादा करप्शन देखने मिला. करप्शन इसीलिए देखने मिला, इनकी सैलरीज काफी कम थी, सैलरी कम थी, और जो फरमान्स वगैरह दिए जाते थे, फरमान्स या दस्तक कहते हैं जिसको हम, इनके दस्तक का काफी बुरा यूज किया जाता था. ये अपनी पर्सनल ट्रेड के लिए यूज करने लगे, पर्सनल ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई. जो इंडियन सोल्जर्स है, इंडियन सोल्जर्स या सिविल सर्वेंट्स है, उनकी लेस सैलरी है, उनके साथ जो प्रमोशन के लिए काफी बायस्ड बिहेवियर है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रमोशंस नहीं दिए जा रहे हैं, उनके पैसे या सैलरीज बहुत कम है. अगर आपको कहीं क्रॉस करके जाना है रिवर, या फिर आपको कहीं दूर काम करना है, तो आपको जो एक डियरेंस अलाउंस मिलता है, लिविंग अलाउंस मिलता है, वो चीजें नहीं मिल रही है. उसके बाद आप देखिए जो हायर पोस्ट है, प्रमोशन की पोस्ट है, वो नहीं मिल रही है. यहाँ देखिए मंगल पांडे कह रहे हैं लो वेजेस है, इसकी वजह से नाराज है, इसलिए चिल्ला कर कह रहे हैं लो वेजेस है, और लो वेजेस में हम काम नहीं करेंगे, हम रिवोल्ट करेंगे. तो कहीं ना कहीं आप देखिए लो वेजेस होना भी बहुत बड़ी परेशानी. क्यों? क्योंकि ये लो वेजेस होने की वजह से ये तीनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा आपका. ना आपकी अच्छी रोटी आएगी, ना आपका कपड़ा आएगा, ना आपका मकान आएगा, अगर पैसे नहीं होंगे. और इसके साथ मुझे एक और फॉर्मूला याद आता है जो हमेशा मैं आपके साथ दोहराता हूं, वो ये है कि E इज इक्वल टू E. E इज इक्वल टू E क्या है मुझे बता दीजिए जरा. वॉट इज E इक्वल टू E? For those of us who are new, please tell me what is E is equals to E for your friends also. Excellent. Economy is equals to empire, ये मैं हमेशा बताता हूँ. और उसी तरीके से हाउस होल्ड में भी ये फिलॉसफी लगेगी. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, आपको हाउस होल्ड मैनेज करने में भी परेशानी होगी. अब हमने इकोनॉमिक कॉजेस की तो बात कर ली, लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल कॉजेस. व्हाट वर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल इश्यूज ड्यू टू विच सच अ बिग रिवोल्ट ऑन द मैसिव स्केल टुक प्लेस. सबसे पहले आप देखिए ईसीआई की जो पॉलिसीज थी इफेक्टिव कंट्रोल की, इसमें आयरन हैंड पॉलिसी यूज करते थे, इसमें नेगोशिएशंस नहीं होती थी, कोऑपरेशंस नहीं होती थी. इसमें ये नहीं समझा जाता था कि अगर आपको किसी भी जगह टैक्सेशन कलेक्ट करना है, if the person is not in a condition to pay tax, if there is a famine, these things were not considered. They had to pay famine, they had to pay tax even if they had to sell their land. to aap samjhiye apni zameen bech ke bhi inko tax dena padta tha. ye nahi samajhte the ki agar famine aaya to aap kaise tax le rahe hain, kyunki wahan to production hi nahi hua. is cheez se inko koi matlab nahi tha. inki jo policy thi wo clear cut thi, hame paisa chahiye, aap jiyo ya maro, ye inka approach tha. subsidiary alliance ki baat kare, doctrine of lapse ki baat kare, dheere dheere rajaon ko samajh mein aaya. the kings, the princely state kings used to realize that this is something which is kind of a shackle. एक तरीके से हाथ में आपके जंजीरें बांध दी गई हैं, क्योंकि subsidiary alliance में आर्मी इज ब्रिटिशराइज्ड, और वी कैन से यूरोपियन आर्मी या फिर ब्रिटिश आर्मी आपके subsidiary alliance में आपको कंट्रोल कर रही है. किसी भी दिन वो तख्ता पलट कर सकती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कू, जो आपके जिम्बाब्वे में हुआ था, और भी बहुत सारी जगहों पर कू हुआ था. गद्दाफी के यहाँ पे हुआ था, गद्दाफी कहाँ था ये आप मुझे बताइएगा. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डलहौजी के टाइम पे हो गया था, उसमें भी आप देखें कितने सारे राजा महाराजाओं ने अपनी गद्दी, अपना राजपाट जो है वो अंग्रेजों के अंडर चला गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया. वो क्यों हुआ?
क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर सक्सेसर नहीं थे, जो लीनेज में लीगल सक्सेसर नहीं थे। अडॉप्टेड सन्स को सिर्फ ये पर्सनल प्रॉपर्टी अडॉप्ट देते थे राजाओं की, लेकिन जो उनका किंगशिप है वो नहीं देते थे, वो किंगशिप ट्रांसफर नहीं होती थी। उसके बाद आप देखेंगे जो नेटिव स्टेट्स थी पर्टिकुलरली, उनका एक्सटेंशन होने लगा। नेटिव स्टेट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैसूर था, मैसूर को पूरा कंट्रोल कर लिया, नेटिव स्टेट का जो पूरा ज्योग्राफिकल डायग्राम है वो बदल दिया गया। मराठा स्टेट का आप देखेंगे पूरा डायग्राम ही बदल गया, पूरा जो फेस स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य को इन्हें एक तरीके से धीरे धीरे खत्म कर दिया। बंगाल का जो एक डेफिनेशन थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगी, तो इफेक्टिवनेस कम हो रही थी। उसके बाद आप ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ हर्ट आ रही थी, फीलिंग ऑफ डिटेस्टेशन आ रही थी, बिकॉज द मुगल किंग और द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ प्राइड फॉर ऑल द मुस्लिम्स बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स। और कहीं ना कहीं जब उनको इंग्लिश इल ट्रीट कर रहे थे, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे, उनको आड़े हाथ ले रहे थे, तो उससे भी मुस्लिम्स काफी हर्ट हो रहे थे, काफी उनकी सेंटिमेंटल जो इमोशनल फीलिंग जुड़ी थी दे वर अफेक्टेड। यहां तक हमने बात कर ली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेज की, यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। राज मेहता, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर इंटरनेशनल रिलेशन नॉलेज। रणविजय, अभी करेंटली जरूरत है हमें कि पॉलिटिकल सेशन जो हम सेशन ले रहे हैं उसमें पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी सब्जेक्ट में बात कर रहे होंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, या फिर हम किसी दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उस दिन मैं बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आ जाऊंगा, क्योंकि उस दिन आपको मेरी फुल स्क्रीन की जरूरत होगी, पीपीटी की नहीं। आज हमारा बेसिक मोटिव जो है पीपीटी होनी चाहिए, इसीलिए मैं फुल स्क्रीन पे नहीं हूं। आप सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया क्या? हैज एवरीबडी ज्वाइंड इट? किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। जिसने भी ज्वाइन किया है गिव मी अ थम्स अप। यहां तक कोई डाउट है पॉलिटिकल एज वेल एज जो आपके इकोनॉमिक कॉजेस है उसमें कोई डाउट है आपको? एनी डाउट? जिसने भी ज्वाइन कर लिया है प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, सैंडी ने ज्वाइन कर लिया, राज्यलक्ष्मी ने ज्वाइन कर लिया, आई हैव टू थम्स अप। व्हाट अबाउट रेस्ट? 27 पीपल आर वॉचिंग। ओके, आई हैव थ्री थम्स अप, फोर थम्स अप, 23 मोर। मधु, व्हाई हैवंट यू ज्वाइंड? प्लीज ज्वाइन इट। ओके, आई हैव 7 थम्स अप नाउ, नो 6, मधु इज नॉट देयर। विकास, हेलो। ओके रणविजय, यू आर डाउनलोडिंग, नो प्रॉब्लम। सी, इन्फेस्ट मींस टू हार्म समथिंग परमानेंटली। फॉर राजलक्ष्मी पर्टिकुलरली फॉर वोकैबुलरी आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू एंड एवरीबडी हु इज वॉचिंग, if we don't have a good grip on many of the English words, which generally happens because we are not Britishers, this is not our mother tongue, English is not our mother tongue, so if we don't have a good approach with English, we try to use simple words. On the other hand, there is one more important series which is going on these days, that's just 5 minutes discussion of the Hindu English vocabulary, that is also going on our channel, jo I suppose Aditi Sharma ma'am leti hai. So you can watch that lesson also. That will give you a lot of vocabulary. आपको बहुत सारी vocabularies उससे सीखने मिलेंगी. Even I watch that lesson so that I get some of the vocabularies. So infestation means to prevent something, to infest. Infest का मतलब होता है you are stopping somebody to do something, infesting on him. Okay, Rahul Gupta has also joined. Any doubts still here? Alisha, see Kavaljeet has shared the link. Please. Do go on it, search on it and just join it. हाँ, so यहाँ तो कोई doubt है आपको economic reason और political reason में? See, Hede, I don't know about the timing particularly, but I'll do let you know. You can search on the playlist, you will get it there. Please join, Pallavi, please join. Okay, you got the infestation. There is no doubt, I suppose. आपको economic और political reasons clear हो गए. And now let's come to the religious reasons. Archana, if you haven't joined, those of us have joined, that's good. If you haven't joined, please join it. Till here, there are no doubts. That's excellent. अब यहाँ पे हम आते हैं. सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरीके से English जो है, जो बीच में इस तरीके की feelings डाल रहे थे, they were injecting. आप इसको particularly ये समझिए कि English infested with the spirit of racism. They were fully filled. आप ये समझिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी. They were just thinking about racism. They were just talking about racism. Like racism is happening today at present in America. You see there somewhere or the other there's a sense of racism and sense of that South Afro-Americans are very different from the Caucasian Americans or the white Americans. ये तरीके की feeling, this spirit of racism was being spread.
उसके बाद आप देखिए पॉलिसी जो हिंदू एंड मुस्लिम से आपने शुरू से देखा होगा, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज करते थे, डिवाइड करेंगे किसी को कुछ इंपॉर्टेंट दे देंगे और दूसरे को उस चीज से डिप्राइव कर देंगे, एंड दिस वे दे यूज्ड टू डिवाइड एंड रूल. ऑन द अदर हैंड दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द कस्टम्स. यू सी आई टेल यू अबाउट द कस्टम्स पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टम दे वर प्लेइंग विद कस्टम्स लाइक 1829. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. आई गिव यू अ हिंट एंड यू टेल मी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट डेट. तो राजा राम मोहन रॉय 1829 से रिलेटेड है और आपके जो विलियम बेंटिक है वो भी इससे रिलेटेड है. अब जरा बताइए क्या है, जो आपके गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ये भी इससे रिलेटेड है. नाउ टेल मी व्हाई इज दिस 1829 वेरी इंपॉर्टेंट डेट. Tell me. Exactly. Here, abolition of sati. 1829. This date becomes important. Then you will see 1856. During the time of Dalhousie, this date is very important. Date is important for the passing of the Act of Widow Remarriage. Getting the point? Widow remarriage. This act is very important. This way, आप देखिए, they are trying to change the basic customs. Some people were forwarding, like Ishwar Chandra Vidyasagar was very vocal for the widow remarriage, which was passed during Dalhousie's reign. Or you can say Governor General Dalhousie was very effective in passing the Widow Remarriage Act, as was William Bentinck for Sati Marriage Act, Sati Act, Prevention of Sati. The point is, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे आप सती पे हिट कर रहे हो, आप सती को प्रिवेंट करने के लिए बात कर रहे हो, विडो रीमैरिज की बात कर रहे हो, जो रिलीजन में नहीं दिए गए थे, आपके कस्टम में नहीं थे. मैं मान रहा हूं दीज वर रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बट द चेंजेस विच शुड कम, दे शुड कम इंटरनली फ्रॉम द सोसाइटी रादर देन बीइंग पुश्ड आउट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. अगर आप बाहरी तरीके से उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो तो ये गलत है. अंदर से सोसाइटी के अंदर से सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि मॉरली राइट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, सो वी शुड चेंज इट. हमें इसको बदलना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है, ना कि बाहर से उसके ऊपर आप एक एक्ट पास करके उसको सप्रेस करो. इस चीज की वजह से आप देखेंगे धर्म सभा जो थी आनंद कुमार देव करके एक आपके मिलेंगे एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने जो आपकी धर्मसभा नाम से, धर्मसभा ने इसके अगेंस्ट जो आपके एक्ट्स पास हुए उसके अगेंस्ट इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था, काफी इन्होंने राइटिंग्स की थी ये बताने के लिए कि दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द बेसिक सिस्टम. व्हाई आर दे इंटरफेयरिंग आर इन आर रिलीजियस एंड आर कस्टम्स, जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो हमारे कस्टम्स है, वी आर द वन हु विल चेंज इट. लाइक अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो यू विल हैव टू स्टडी इट, बट व्हाई एनीबॉडी एल्स एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, यू आर पासिंग अ एक्ट टू प्रिवेंट दीज थिंग्स. This was wrong. Even Tilak said about it. Bal Gangadhar Tilak was very vocal. He said that these things, these custom changes should not be done by the pattern of acts. Acts should not be passed for them. For them, awareness is important. If you don't have awareness for such things, then passing any acts won't be sufficing. Then also things will happen. Like, aaj aap dekhte hain, caste marriages hai, ya inter-caste marriages hai, honor killings hai, ye saari cheeze aaj bhi ho rahi hai. Even though we have a lot of acts for that, we have a act that we can know different people who are mature enough, who have crossed the required age for marriage, can marry each other. But this does not happen because acts are different, society is different. If the changes come from the society, then the society develops, it grows organically. But if the changes come from the external sources, the society does not grow. Rather than society tries to fight against those changes. Getting my point? Ranvijay, I don't know about this downloading thing particularly. Exactly, I told you, मैंने आपको कहानी बताई थी सती किस तरीके से सती होती थी. उस समय I told you कि उनके जो brothers हैं, उनके fathers हैं, उनके जो भी male members हैं, they are pressing her on the pyre. वो चिता के ऊपर उनको बड़े-बड़े डंडों से press कर रहे हैं कि she burns alive. How can you understand what kind of thing is this? किस तरीके से, this is all an inhuman act. And people were watching it. The society was accepting it. The society should protest against its practices. There should be a self-improving or self-updating mechanism rather than external sources helping you out or external sources getting you in the same line. And this was done. This was done by these acts. Last time, pichli class mein, maine Lex Loki ke baare mein bhi baat kiya tha. I told you, 1813 mein, the Britishers gave permission, or the British king gave permission for the missionaries to come to India and preach and start conversions.
When 18, 13, these things come, conversion starts. जब conversion शुरू हो गया, उसके बाद आप देखेंगे conversion के बाद हिंदूस ने ऐसा किया कि जो उनके फादर से वो कहते थे आप प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते मेरी, आप मेरे उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे, आपके पास मेरी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रहेंगे. देन दीज ब्रिटिशर्स पास्ड अ लेक्स लोकी लॉ विच प्रूव्ड कि जो आगे का आपकी प्रॉपर्टी है अगर आप अपना रिलीजन चेंज भी कर ले तो भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी अपने फादर की. इस तरीके के रिलीजियस कन्वर्शन के लिए भी कहीं ना कहीं लॉज पास कर रहे थे. सो लॉज आर नो डाउट बायस्ड. गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें हो रही हैं. अब देखिए स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी के लिए किस किस तरीके से फ्री हैंड है. फ्री हैंड होना मिशनरी का मतलब आप समझिए, अगर आपको मिशनरी रोटी कपड़ा मकान इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे देगा तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. दोज हु आर वेरी पुअर हु आर पॉवर्टी रिडन व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट इन बिकॉज दे विल एसुएज देम, दे विल इन्फ्लुएंस देम, दे विल मैनिपुलेट देम फॉर मनी. आप पैसे देंगे और पैसे देकर आप उनसे बोलेंगे आप कन्वर्ट कर दीजिए एंड दे विल कन्वर्ट जस्ट बिकॉज जो भूखा मर रहा है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जो पॉवर्टी रिडन है उस आदमी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फूड है. फॉर हिम गॉड इज फूड. फॉर हिम दिस रिलीजन और पर्टिकुलर रिलीजियस लॉयल्टी डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स फॉर हिम इज हंगर. वॉट मैटर्स फॉर हिम इज फूड. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वर डन. फाइनेंसिस वर गिवन. दे वर गिवन लाइक इन इंटर लाइक यू सी इन द कास्ट सिस्टम विच वॉज वेरी रिजिड ड्यूरिंग दीज डेज. द शूद्रास दे वर मैनिपुलेटेड इन सच अ वे टू कन्वर्ट इन टू क्रिश्चियनिटी सो दैट दे गेट अ बेटर स्टेटस इन सोसाइटी. सच थिंग्स वर हैपनिंग. सती वुमेन ने मैरिज आई टोल्ड यू. इवन एजुकेशन यू सी दे वर ट्राइंग इन हिंदी हिंदू कल्चर इट वॉज पर्टिकुलरली सेड दैट इन मनुस्मृति. पर्टिकुलरली आई विल से मनुस्मृति में यह बताया गया कि आप जो फीमेल्स हैं दे शुड नॉट बी टॉट, दे शुड नॉट बी एजुकेटेड. उनको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. ये आपकी सोसाइटी का इशू है, ये सोशल माल प्रैक्टिस है. इसको सोसाइटी चेंज करती तो सही होता है, लेकिन इनने उसके खिलाफ भी उन्हें रूल्स पास किए कि हाँ सोसाइटी में आप एजुकेशन कर सकते हैं. फिर उन्हें एज ऑफ कंसेंट बिल निकाला जिसको हम शारदा बिल कहते हैं. 1891 में पास हुआ था. 1891 में जो शारदा बिल पास हुआ उसमें उन्हें जो शादी की उम्र होती है, शादी की उम्र जो 12 साल थी उसको 12 से 14 साल कर दिया. फॉर गर्ल्स फ्रॉम 12 ईयर्स टू 14 ईयर्स द एज वॉज चेंज, एज वॉज फर्दर एक्सटेंडेड. अभी रिसेंटली इस पर डिस्कशन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि 18 से 21 होने वाली है एज. ठीक है, इसीलिए शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. कहीं ना कहीं इसका जो आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है ये कहीं ना कहीं शारदा एक्ट से रिलेटेड है आज, क्योंकि ये करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हैं इसको. यहां तक क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें थी. हिंदू एंड हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको रिड्यूल किया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है. पहले कभी किसी राजा ने, चाहे मुगल्स की बात करें चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, उसके बाद भी जो छोटे किंग्स आए चाहे राजपूत है, राष्ट्रकूताज है, पालाज है, चोलाज है, चेराज है, पांड्यास, पल्लवास, चालुक्यास, इतने सारे किंग्स आए, लेकिन पर्टिकुलरली किसी ने भी रिलीजियस प्लेसेस पर टैक्सेशन नहीं किया. एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कबलजीत, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. अब आप देखिए किसी ने भी कभी भी एरियाज ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस पे टैक्स नहीं लगाया, मॉस्क पे टेम्पल पे नहीं टैक्स लगाया, पर ब्रिटिशर्स ने. मैंने आपको बताया कि अगर घास भी उगती थी, इफ देयर वॉज इवन ब्लेड ऑफ ग्रास ऑन द लैंड दे यूज टू टैक्स इट. घास से भी वो टैक्स ले लेते थे, इतना बुरा हाल था, क्योंकि वो सिर्फ टैक्स से मतलब रखते थे. दे डोंट अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम सम इश्यूज, इफ द कंप्लीट एरिया इज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपकी भुखमरी है या कोई भी सिचुएशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दे वॉन्ट टैक्सेस. दे वर हार्ड कोर बिजनेसमैन, श्रूड बिजनेसमैन, दोज हू ओनली बॉदर्ड अबाउट मनी. उनको सिर्फ पैसे से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था. तो टैक्सेशन चालू कर दिया. अब हम बात करने वाले मिलिट्री कॉजेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बने, क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगा कि मे में, इन द मंथ ऑफ मे 1857, व्हेन दे मार्च्ड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो ये किसने किया था? ये पूरा जो प्रोसेस है सिपॉइस के द्वारा किया गया था, और इसको भी 1857 को सिपॉय म्यूटनी कहते हैं. मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो है वो सिपॉय म्यूटनी कहलाता है. और 1857 का जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है उसको आप कॉम्बिनेशन मान सकते हैं ये तीनों एक्ट का, चाहे आप सती एक्ट की बात करें, विडो रीमैरिज की एक्ट की बात करें, ये सारे जो एक्ट्स हैं इन सारी एक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन है. और एक और लेक्स लोकी एक्ट, ये तीन एक्ट्स को मिला देंगे तो आप 1856 का जो डिसेबिलिटी एक्ट है, जो आप रिलीजियस डिसेबिलिटीज है उसकी बात करेंगे, जिसमें जो रिलीजन में जो डिसेबिलिटीज है पर्टिकुलरली उनको हटाने की बात की जा रही है. आप बात समझ रहे हैं? इसके नाम से समझ में आएगा, रिलीजियस डिसेबिलिटीज, जो रिलीजन में डिसेबिलिटी उनको हटा देना है. क्लियर है? अब देखिए जो रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा था आपके मिलिट्री में रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे बढ़ रहा था? ब्राह्मण्स का एक अलग ड्रेसिंग सेंस था, अलग तरीके से वो कपड़े पहनते थे, अलग तरीके से वो अपना जो भी अटायर है उसको कैरी करते थे. फिर उसके बाद जो अलग अलग कास्ट होती हैं या फिर जो अलग अलग आपके सोसाइटी के फैक्टर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो अलग अलग अपना रिलीजियस आइडेंटिटी को बैलेंस करते थे. तिलक लगाना,
या फिर एक पर्टिकुलर डिजाइन का हैट पहनना, हेड गियर, वो चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर उनको कहीं ना कहीं रिलीजियस इंटॉलरेंस दिखने मिल रहा था। फिर क्रिश्चियनिटी को ज्यादा ही प्रेस करते थे उनपे, मिलिट्री में ये चाहते थे कि मिलिट्री में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर पाए, ये ऐसा समझ में आने लगा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। डिस्क्रिमिनेशन हिंदू इंडियन सोल्जर्स में हो रहा था, ये मैंने आपसे बात की है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, प्रमोशंस में, सैलरी में, हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आपको पेंशन देना है, पेंशन में भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कहीं आप बाहर ओवरसीज काम करने जाएंगे तो वहां आपको क्या नहीं मिलने वाला है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है। आपको अगर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इससे आप समझिए कि आपको जो खाने पीने का खर्चा है वो कैसे निकलेगा। ये सारी चीजें परेशानी आ रही। फिर उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ अगर हार्डकोर वेजिटेरियंस हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही कि अगर जो हार्डकोर वेजिटेरियंस हैं वो कैसे खाना खाएंगे, उनको अगर नॉन वेज मिल रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश आर्मी है दे वर वेरी ओके विद नॉन वेज। किसी को पर्टिकुलर नॉन वेज से प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है सपोज आप समझिए बीफ से, किसी को प्रॉब्लम होगी पोर्क से, तो ये सारी चीजें भी बहुत सारी आ रही थी। जैसे आप समझिए पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को प्रॉब्लम थी पोर्क से, और जो हिंदूज हैं उनके लिए बीफ जो है बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बिकॉज काउ इज कंसिडर्ड एज अ होली एनिमल और गिवर ऑफ लाइफ। फिर आप देखिए कैसे ये सीज को क्रॉस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो रिलीजन है उससे बाहर निकाल दिया जाता है आपको। पूरा जो भी सपोज आपका एक गांव है तो गांव से आपको दूर रखा जाएगा, आपको आपकी कास्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। कास्ट से बाहर निकाल देना भी बहुत बड़ा इशू होता था उस टाइम पे, जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। ये चीजें हो रही थी, समझ रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें हो रही थी। अब ये देखिए इतनी सारी जब चीजें हो रही, कास्ट के ऊपर हो गया, रेजिमेंट्स के ऊपर हो गया, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं सोल्जर्स के अंदर परेशानी बैठ रही थी। और एक और बैकग्राउंड में बात समझनी जरूरी है कि ये सिपाही जो है ये यूनिफॉर्म तो जरूर पहना है, लेकिन ये घर जाता है तो घर में ये पीसेंट है, ही इज अ पीसेंट इन यूनिफॉर्म। ये बात हमेशा याद रखें, इसको आप कमेंट सेक्शन में रिपीट करें। अ सोल्जर, इंडियन सोल्जर, पर्टिकुलरली इंडियन सोल्जर वॉज अ पीसेंट इन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म में पीसेंट है। क्यों है ये यूनिफॉर्म में पीसेंट? क्योंकि जब ये घर जाता है अपने भाई लोगों से मिलता है, जो टैक्सेशन की वजह से परेशान है, मनी लैंडिंग की वजह से परेशान है, जो उनकी साइज जो है लैंड की वो छोटी होने की वजह से वो परेशान है, इतनी सारी चीजों की वजह से वो परेशान है ओवरऑल। तो इस वजह से जो यूनिफॉर्म के अंदर है वो आदमी भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे भरता जा रहा है। वो अपने गांव जाता है, when he goes to his village he empathizes with other peasants because he sees the person who is employing him, his employer is doing such kind of things with the peasants or brothers, fellow brothers of his village. ये क्लियर हुआ? यस, पीसेंट्स इन यूनिफॉर्म, यस। ये यहां से आपको, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई जनरली टेल यू टू कोट, यू रिमेंबर दिस फॉर लाइफ। आपको अगर ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडियंस वर कंसिडर्ड एज द व्हाइट मैन्स बर्डन, ये मैंने आपको कोट लिखवाया था। ये क्यों लिखवाया था? कि ये ऐसा दिखाने का कोशिश करते थे, व्हेन दे शो दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दे यूज्ड टू प्रिटेंड दैट वी आर लेटिंग यू ऑन आवर शोल्डर्स, यू आर बर्डन फॉर अस, यू आर बर्डन फॉर सिविलाइजेशन, यू आर नॉट मेंट टू बी, you are meant to be ruled, you are not meant to rule yourself, you are meant to be ruled by somebody else and we are higher civilization so we rule, hum tumse uchi ek sabhyata hai, uchi civilization isliye hum aap pe rule karenge. ye cheeze samajh mein aa rahi thi aur is cheez se samajh mein aa raha tha kahin na kahin unko racial supremacy ka ek sense tha, wo ye mante the ki they are better races. aur kal hi humne padha, jab hum history class le rahe the, history class mein humne padha jo indo european group of languages hai, indo european group of languages mein hindi और इंग्लिश दोनों आते हैं। तो आप ये समझिए, अभी तो हमें ये पता है, जब ये नहीं पता था तब हम ये सोचते थे कि हाँ इंग्लिश सुपीरियर हैं शायद, लेकिन जब हमने ये पढ़ा कि इंडियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है, मतलब लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है वो तो सेम है, तो फिर आप हमसे बेटर कैसे हो गए? क्योंकि आप वही बोली बोल रहे हो जो हम बोल रहे हैं। या फिर आप ये समझिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक सेट है, तो ये अगर मदर है और इसी के तो चिल्ड्रन है अलग अलग, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, जर्मन की बात करें, या फिर आप हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो ये सारी चीजें एक है, ये आपको बाद में पता चला, लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाता तो ये जो बात है जो इंडियंस के दिमाग में बहुत गहराई तक डाल दी गई थी कि यू आर बर्डन फॉर अस, वो चीज खत्म हो जाती। अब बाहर से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे। रिवॉल्ट करने की जो ताकत है वो कहां से आती है? इंस्पिरेशन चाहिए होती है। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी मोटिवेशन की जरूरत है। आप अगर मोटिवेटेड नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, तो आप उस चीज को कंटिन्यूसली नहीं कर पाएंगे। आपका जो ग्राफ है तैयारी का, अगर आपको उसको ऐसा रखना है सीधा बढ़ता हुआ, तो वो बड़ा कठिन हो जाएगा अगर आपके अंदर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन नहीं है। और डेली डोज ऑफ मोटिवेशन की तरह यहां पे भी अगर इनको रिवॉल्ट करना था तो इनको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा था। आप देखिए अफगान वॉर में कितने बुरे हाल हुए थे, मैंने आपको बताया था,
1.5 करोड़ रुपीस लॉस्ट एंड नियरली 20,000 सोल्जर्स लॉस्ट। ये मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश को लॉस हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पंजाब वॉर में आप देखें, पंजाब वॉर में भी ये कंसिडर किया गया था कि जो मेजर वॉर है, वॉर तो हुई नहीं, वॉर तो कहीं हो ही नहीं रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रीमियन वॉर हो रही थी बैकग्राउंड में, जो क्रीमिया में लड़ाई हो रही थी उसमें भी ब्रिटिशर्स को काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, काफी अच्छी लड़ाई चल रही थी जिसमें क्रीमियंस काफी भारी पड़ रहे थे। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। संथाल रिबेलियन देखिए, संथाल रिबेलियन के बाद अलग से संथाल के लिए एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया, जहां उस रीजन पे कोई जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर वॉज नॉट अलाउड देयर, गेटिंग माई पॉइंट, आउटसाइडर नॉट अलाउड। ये सारी चीजें हो रही है बैकग्राउंड में, इससे भी कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस मिलता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से रिवोल्ट अब शुरू हो रहा है। अब हम धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चालू कर दिया, हम यहां आ गए और हमारा सफर यहां तक का बचा है, यहां। सो वी आर हेयर राइट नाउ एंड वी हैव टू गो हेयर, दिस इज आर क्लाइमेक्स और दिस इज आर एपिजी। और ये आप समझिए सपोज माउंट एवरेस्ट की चोटी है, दिस इज द पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नाउ हेयर वी हैव टू रीच, वी आर हेयर। सबसे पहली परेशानी यहां पर यह आई, जो आपके सोल्जर्स हैं उनके बीच में या तो ये रूमर्स थे या फिर ये एक सीरियस एलिगेशन या फिर एक ऑन द प्रूफ बेस्ड डिस्कशन था। ये माना जाने लगा जो आटा होता है, जो फ्लोर होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, रोटी फिर से आ गई आपकी रोटी, ये हमेशा ही आप याद रखें, ये तो हमेशा काम आने वाला है आपको, रोटी आ गई। तो जो आटा है या रोटी बनाने के लिए जो आप फ्लोर यूज कर रहे हैं उसमें ये कहते थे कि जो बोन डस्ट डाल दी गई है। कैन यू गेट दिस पॉइंट? व्हेन यू आर पुटिंग बोन डस्ट इन इट, सो समबडी हु इज वेरी डिवाउट फॉर हिज रिलीजन, हु इज कंप्लीटली फॉलोइंग वेजिटेरियन थिंग्स, who is very loudly or who is very boasty about his religion, will he accept it? क्या उसको ये मंजूर होगा कि उसको हड्डियों के चूरन को चूरा मिलाकर उसके आटे में या उसके खाने में डाला जा रहा है? इस तरीके के रूमर्स आने लगे, क्या ऐसा ही था? नहीं। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक इनफील्ड राइफल आई। इनफील्ड राइफल के बारे में हम समझेंगे थोड़ा और क्लियरली। इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी, इनफील्ड राइफल के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसमें आपने चॉकलेट्स देखी होंगी, चॉकलेट्स का ऐसा रैपर होता है और ये आपका इस तरीके का कार्ट्रिज होता है। इस कार्ट्रिज के साथ क्या होता था, इसको आपको जो रैपर है इसको आपको ऊपर से फाड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर से फटा हुआ और इसमें आपका जो भी चार्ज होता है, जो गन फायर करने के लिए यूज होता है, वो ऐसा बचता है, इससे ये ऐसा होता है, इसको आपको च्यू करके कट करना पड़ता है, च्यू एंड कट। अब इस सिचुएशन में देखिए, जब आप च्यू एंड कट करने वाले हैं तो ये जो आउटर स्किन है ये माना जाता था कि दिस इज मेड आउट ऑफ पोर्क पर्टिकुलरली एज वेल एज स्किन ऑफ काउ। तो आप देखिए, काउ इज अ रिलीजियस सिंबल फॉर हिंदूज, पोर्क ये इसको हराम माना जाता है। हराम मतलब दिस इज सेड इन इस्लाम दैट दिस इज नॉट टू बी कंज्यूम, दिस इज समथिंग विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर इस्लाम। तो फॉर मुस्लिम्स पोर्क वॉज अ प्रॉब्लम, फॉर हिंदूज काउ वॉज अ प्रॉब्लम। और ये इस चीज से पूरा बनाया गया था, इसको जो आपकी कार्ट्रिज है इसको बनाया गया था यूजिंग पोर्क एंड काउ, पोर्क काउ की स्किन है अगर और पोर्क का जो फैट यूज किया गया उस तरीके से इसको बनाया गया था। इसको दांत से आपको च्यू करना है, दांत से अगर आप च्यू कर रहे हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नो 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 सौरभ, बोर इज वाइल्ड पिग इज कॉल्ड अ बोर, पोर्क इज पर्टिकुलरली अ डोमेस्टिकेटेड पिग, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, गेटिंग माय पॉइंट? दिस वॉज द सिनेरियो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम की वजह से आप देखिए जो रिलीजियस सिंबल्स अगर हट होंगे तो रिलीजन, मैंने आपको बताया था एक और कोट, मैंने बताया था कार्ल मार्क्स का, प्लीज उसको कोट करिए, मैंने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स सेड, व्हाट डिड कार्ल मार्क्स से अबाउट रिलीजन, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था रिलीजन के बारे में, प्लीज दोज ऑफ अस आर वॉचिंग प्लीज गिव इट अ थम्स अप, बड़ी जोर से आप हिट लाइक बटन दबाएं, लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको बड़ी जोर से लाइक बटन दबा दें, गिव इट अ हार्ड हिट। बताइए क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, कार्ल मार्क्स डिस्कस्ड इट वेरी क्लियरली व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सेकंड चैप्टर, आई वाज वेरी क्लियर। नो 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 सौरभ, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स ने पर्टिकुलरली रिलीजन के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी। आप सब ज्वाइन करते जा रहे हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे, जो भी ज्वाइन करता जा रहा है मुझे थम्स अप भेजता जाए। एग्जैक्टली, नो 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 जूही, दिस इज रॉन्ग, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर कविलजीत,
appreciations from my side. Very nice. I appreciate your answer. Religion is the opium of masses. आप देखिए ओपियम से क्या होता है, आपको नशा होता है, आपको इंटॉक्सिकेशन होता है, और वही चीज आपके लिए धर्म कर देती है. रिलीजन आपको नशे में ला देता है. नशे में होने की वजह से आपको सामने की चीजें नहीं दिखती. यू कैनॉट सी वॉट इज इन योर फ्रंट, वॉट इज रिक्वायर्ड, वॉट इज टू बी डन. जब आप रिलीजन के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कैसे सॉल्व करना है. बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड, यू आर ऑलवेज इन फिल्ड विद रिलीजन, विद रिलीजियस जीलटनेस, विद रिलीजियस फीलिंग्स. जब वेन यू आर फिल्ड, आपके अंदर इतना ज्यादा धर्म धर्म ही घूमता रहेगा चारों तरफ, तो जो सांसारिक चीजें फिजिकल थिंग्स यू वोंट बी एबल टू सी, आपको दिखेगा ही नहीं वो, क्योंकि आप में वही नशा होगा जो ओपियम यूज करने वाले को होता है. जो अफीम यूज करने वाले को जो नशा हो रहा है वो नशा आपको होगा रिलीजन से, ये माना जाता है. जो आम आदमी के लिए जो ओपियम है या जो नशा है वो रिलीजन है, इस चीज पे बात की गई थी. और यहां पे इन्हें सीधा हिट कर दिया आपके रिलीजन पे, जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है उस पे हिट कर दिया. अब आप सोचिए जब मासेस के रिलीजन पे हिट किया जाएगा तो कितनी बड़ी परेशानी आएगी. ये धीरे धीरे हम सारे सम अप करेंगे, आगे आके हम सब सारे जो सम अप करेंगे इन पे हम बात करेंगे. ओके, फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ग्रीस रैप पेपर है, जो ग्रीस है ये ग्रीस काय का बन रहा है, ये ग्रीस जो बनेगा राइफल के लिए वो बनने वाला है जानवर की चर्बी का. उसके बाद जो रैप पेपर कह रहे हैं या फिर जो स्किन यूज करी जा रही है वो भी एक जानवर की चर्बी की बन रही है. तो आप देखिए बीफ पिक के फैट को यूज कर रहे हैं और बीफ को यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई. अब इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम समझा दूं कैसे किस तरीके से किया करते थे पूरा प्रोसेस. ये देखिए, ये मैं आपको कार्ट्रेज बता रहा था, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है. बाय चांस कभी अगर आप हिस्ट्री में ऐसा सवाल आपको आता है, आप छोटा सा अगर ये ड्राइंग भी बना देंगे तो भी बड़ा सफिशिएंट रहेगा. इस बुलेट की अगर आप सिर्फ ड्राइंग बना दें या फिर छोटी सी ड्राइंग कुछ भी बना दें, पिक्चर्स हमेशा अप्रिशिएट किया जाते हैं. मैं सबसे ये कहता हूं, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स. पिक्चर 1000 वर्ड से ज्यादा, एक पिक्चर 1000 वर्ड का काम कर देती है. 1000 शब्दों को लिखना और एक पिक्चर को बना देना दोनों इक्वल होते हैं, ये माना जाता है बहुत शुरू से, हमेशा से. अगर मैं आपको कोई लोकेशंस मैप पे समझाना चाहता हूँ वो मैं लिख के समझाऊंगा तो शायद मुझे बहुत समय लग जाए, बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़े. लेकिन अगर मैं आपको पर्टिकुलरली समझाना चाहूँ कि मैप से, तो मैप से मैं आपको 1 मिनट में समझा सकता हूँ, कम एफर्ट से और ज्यादा तरीके से. सपोज अगर मुझे आपको समझाना है आज के समय चाइना कहाँ पे, तो मैं आपके लिए चाइना ऐसे बताऊंगा लिख के, साउथ में इंडिया है, फिर आप देखिए इस तरफ आपकी वेस्ट चाइना सी हो जाएगी, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड आपके जो मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो आ जाएंगी, नॉर्थ में आपके मंगोलिया है, उसके ऊपर रशिया है. अब देखिए कितनी सारी चीजें लिख के मैंने आपको चाइना समझाया. फिर अगर मैं आपको सिंपली चाइना समझाना है तो मैप में अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा, अच्छा ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर आपको ये चाइना दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे आपकी साउथ चाइना सी होगी, ये साउथ चाइना सी है. तो इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा हाँ ये चाइना है, यहाँ पे आपके कुनलुन शान है, यहाँ पे आपका टकला मकान डेजर्ट है, और यहाँ पे आपका जो भी जिनजियांग प्रोविंस वगैरह जहाँ पे परेशानियां चल रही, ऊपर यहाँ मंगोलिया आ गया, उसके ऊपर आपका रशिया आ जाएगा. तो इस तरीके से समझाना काफी आसान होता है. अब यहाँ देखिए आप, ये पूरा पेपर केसिंग है, इसके ऊपर ग्रीस चढ़ा है, ग्रीस को आपको ऐसे दांत से चबाना पड़ेगा, दांत से चबा के आप इसको खोल के फिर उसके बाद आप अपनी राइफल को लोड करेंगे. राइफल को लोड करने के बाद आप इस तरीके का एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप उस रॉड को अंदर बाहर करके उसको लोड करेंगे. लोड करने के बाद जब पाउडर जो है वो नीचे पहुंच जाएगा, उसके बाद आप उसको फायर करेंगे. क्लियर हो रहा है? तो ये डायग्राम मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा था ताकि आपको एक पिक्चर मेमोरी बन जाए. पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हमारे सेंसेस ज्यादा यूज होते हैं तो उनसे हमें काफी फायदा मिलता है. अब देखिए कुछ बातें हम करते हैं जो हमने शुरू में बात की, मिलिट्री क्लॉसेस, बाहर के इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद रिवॉल्ट की जो कहानी है वो हमने देख ली. अब रिवॉल्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन पर हम बात करें, तो रिवॉल्ट कहां से चालू होता है इसकी बहुत सी कहानियां हैं. पीछे बहुत से लोग कहते हैं कि रिवॉल्ट जो चालू हुआ मगलपुर ने, मगल पांडे ने उसको बरक्कापुर में किया, जब मगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये अप्रैल की बात है. उसके बाद आप देखेंगे मई में हमारे यहां 10 मई के आसपास 1857 में ये सारे लोग जो सिपाही है, सिपाही मेरठ आ जाते हैं, मेरठ से ये पैदल चलते चलते कहां आ जाते हैं, ये आते हैं आपके दिल्ली. दिल्ली के साथ ये पंजाब के एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जो आपके नर्मदा के आसपास का एरिया है उसको कंट्रोल में ले लेते हैं, साउथ बिहार के एरिया को ले लेते हैं, ईस्ट में राजपूताना एरिया, वेस्ट में, मतलब चारों तरफ एक्सपेंशन हो रहा है. मेरठ से जैसे ये बढ़ते हैं तो चारों तरफ एक्सपेंशन हो रहा है. ये चीजें हो रही थी. मंगल पांडे ने अपने ही खुद का जो इनका मेजर है उसको ही इन्हें गोली मार दी थी. क्यों गोली मार दी थी? क्योंकि बाद पहले तो इन्हें भरोसा, आपने पिक्चर देखी, पहले तो भरोसा जताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और बाद में अगर जब ये निकला तो इन्हें सीधा उसको गोली मार दी. इस तरीके की चीजें हो रही थी. बहुत सारी जो आपकी कैवलरीज होंगी, जो नेटिव बटालियंस होंगी, जो नेटिव ग्रुप्स होंगे, इन्फेंट्रीज होंगी, वो इस राइफल को यूज करने से मना कर देंगी. बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि जब राइफल को यूज करने से मना करेंगे, आप ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं सीनियर के, तो वहां पे उनको डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर 10 साल का कारावास कर दिया जाएगा. कुछ लोगों को तो मार भी दिया जाता था, एग्जीक्यूट कर दिया जाता था. कुछ ज्यादा ही जो
ज्यादा लीडरशिप शो करते थे, जैसे जो मंगल पांडे, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, अंग्रेजों ने इनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया था, ये सारी चीजें हो रही थी। अब मेरठ में क्या होता है, 10 मई के आसपास ये पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं सिपाही, सिपाही कंट्रोल में लेते हैं, तो जिनको भी जेल में बंद किया गया था उन सब दोस्तों को जो उनके कॉमरेड्स हैं साथ में लड़ने वाले हैं उनको वहां से छुड़ा लेते हैं, अंग्रेजों को मार देते हैं, और वहां पर आप ये देखिए कि किस तरीके से रिवोल्ट करते हैं, और रिवोल्ट करके वो अपना रिवोल्ट का बिगुल बजा देंगे और ऐलान कर देंगे कि हम रिवोल्ट कर रहे हैं। अब रिवोल्ट करने के बाद आपको पता है ये कहां पहुंचते हैं, ये पहुंचे सुबह सुबह 4 बजे बहादुर शाह जफर के पास लाल किले में। लाल किले में पहुंच के ये कहते हैं कि सर मुझे आपको अपना लीडर बनाना है, आप हमारे लीडर होंगे और आप ही इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले हैं। सौरभ डोंट रन फास्ट, व्हेन आई टेल यू टू रन दिस इज नॉट द टाइम टू रन। तात्या तोपे की आप यहां बात कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबने लाइक कर दिया है, एवरीबडी हैज लाइक द लेक्चर। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि बहादुर शाह जफर क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मुगल्स को देखिए, मुगल्स का जो एडवेंट होता है 1526 में, और यहां पर आज 1856 की बात कर रहा हूं मैं, 1857 की बात कर रहा हूं, अगर हम एक ओवरऑल भी पिक्चर ले लेना तो लगभग 300-350 साल के आसपास ये हो गए, 300 ईयर्स हम ले लेते हैं एट एन एवरेज, 300 ईयर्स ऑफ रूल। तो ये माना जाने लगा था जो मुगल किंग्स थे, दे बिकेम एज अ सिंबल और अ साइन ऑफ लीडरशिप फॉर द कंट्री, उनको एज अ लीडर रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। जब उनको लीडर रिकॉग्नाइज करने किया जाने लगा तो मुगल डायनेस्टी जो है वो आपका ट्रेडिशनल सिंबल बन जाएगा, और पॉलिटिकल इश्यूज जब होंगे या फिर पॉलिटिकल यूनिटी की बात की जाएगी, क्योंकि आप देखते हैं मुगल्स ने पूरे एरिया को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया था, पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया था। जब इन्हें पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया है तो पॉलिटिकली कंट्रोल करने की वजह से इनको सिंबल माना जाने लगा। इवन दो बहादुर शाह जफर के टाइम पे तो काफी कंट्रोल कम हो गया था उनका, सिर्फ लाल किले के आसपास के इलाके में, जो पालम के राजा हो गए थे, दिल्ली से पालम कहते थे, दिल्ली टू पालम यहीं तक इनका राज बचा था। इसके अलावा पूरा जो उनके राजपाट था आप देखेंगे डेक्कन में था, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, तमाम जगह कश्मीर और हर जगह पे वो पूरा कंट्रोल खत्म हो गया था इनका। उसके बाद आप ये देखिए, जैसे ये कंट्रोल तो खत्म हो गया लेकिन इनको फिर भी पॉलिटिकल सिंबल माना जाता था इंडियन यूनिटी का, इसीलिए इनको राजा बनाया, एक रीजन ये था। अब इसके साथ आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि बहुत बड़ी गलती भी थी, आप एक बूढ़े आदमी को जो 80 प्लस का एज का है आप उसको लीडर बना रहे हो रिवॉल्ट का, जिसमें आपको आजादी चाहिए, बात समझ पा रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी के लिए इसको चूज किया गया। फिर उसके बाद जो रिलीजियस था, उस रिलीजन की बात नहीं करी जा रही थी, रिलीजन की बात इसीलिए नहीं थी क्योंकि आप देखेंगे 1857 में साइड बाई साइड लड़े हिंदू एंड मुस्लिम्स, नाना साहिब है, नाना साहिब के जो आपके वजीर रहेंगे हिल भी है मुस्लिम, बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा देखने मिली। इसमें रिलीजन का कोई काम नहीं था, रिलीजियस आइडेंटिटी की कोई बात नहीं की गई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा दुश्मन एक है, वो है अंग्रेज, हमें ब्रिटिशर्स को बाहर करना है, और इसके बीच में रिलीजन की कोई बात नहीं थी। पूरी बंगाल आर्मी, ऑल बंगाल आर्मी स्प्रेड इन रिवॉल्ट, ये पूरा रिवॉल्ट चालू हो गया बंगाल की पूरी आर्मी में, बहुत जल्दी ये रिवॉल्ट बढ़ा। फिर अवध में, रोहिलगंज में, दुआब एरिया जो आपका है, ये जो इंडो गंगाटिक प्लेन है वहां के एरिया पे, बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में आप जो झांसी की बात करेंगे हम, झांसी के अलावा भी बुंदेलखंड के आसपास के इलाके जो आपके सेंटर में आते हैं, जो आपके भोपाल इंडौर इलाके हैं, दोज एरियाज, यहां सारी जगह पे ये पूरा रिवॉल्ट काफी जल्दी फैला। लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार, बिहार में हम कुंवर सिंह की बात करेंगे, जिसको हम कहते थे बूढ़ा जवान, ये 70 साल की उम्र के थे लेकिन ये फिर भी घोड़े पे बिल्कुल जंप करके चढ़ जाते थे। तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें, ईस्ट पंजाब की बात करें, किस तरीके से ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अथॉरिटी को ये फॉलो नहीं करता, ब्रिटिश अथॉरिटी को ये डिफाई कर देता है, ये कहता है अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके ऑर्डर्स नहीं माने जाएंगे, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। जैसे ही ये सारी चीजें होती है आपके सिपाही म्यूटनी करते हैं, मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सारे राजा थे, तमाम राजा थे, सब अपने अपने इस लीग को ज्वाइन करते हैं। सिपाही ने बहादुर शाह जफर को जैसे ही आपको पॉलिटिकल लीडर बनाया, उसके बाद से आप देखने लगेंगे बहुत सारे लोग पिक्चर में आएंगे। पिक्चर में किस तरीके से आते हैं, सबसे पहले आप देखिए जो नाना साहिब हैं, नाना साहिब पिक्चर में आएंगे। नाना साहिब के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इनको जो पेशवा के अडॉप्टेड बेटे हैं, इनको कानपुर में रख दिया गया था। इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं होगा, अब मैं लड़ूंगा अपनी आजादी के लिए, और यहां मैं कानपुर से, अब इनने कह दिया कि मैं पेशवा हूं। ही एक्नोलेज हिमसेल्फ एज पेशवा एज वेल एज, इन्होंने कहा जो एम्परर है बहादुर शाह जफर, मैं उनका वजीर हूं, मैं उनका गवर्नर हूं, आई विल बी गवर्नर टू बहादुर शाह जफर हु इज द लीडर ऑफ दिस रिवॉल्ट। आपको बात समझ में आ रही है। बेगम हजरत महल लखनऊ की, इन्होंने भी इस तरीके से चालू कर दिया एक रिबेलियन, रिबेलियन जैसे चालू हुआ, यहां जून में शुरू होता है
और ये भी शुरू कर देती है अपना पूरा जो रिबेलियन होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो नवाब है, नवाब को गद्दी से हटा दिया गया था, उसके लिए बहुत सारी सिंपैथी मिलती है और ये भी रिवोल्ट करती है सिटी में। फिर उसके बाद आप देखेंगे खान बहादुर जो बरेली के पास में, ये एक जमींदार थे, ये भी रिवोल्ट करते हैं खान बहादुर। खान बहादुर रिवोल्ट करेंगे, उसके बाद आप देखने वाले हैं खान बहादुर के अलावा मौलवी अहमदुल्ला, ये तो आपके मद्रास से आए थे, मद्रास से अवध आते हैं और अवध में जब ये देखते हैं रिवोल्ट तो ये भी उसमें कूद जाते हैं, ये भी उसमें लड़ाई करते हैं। लक्ष्मीबाई बहुत ही पॉपुलर आपका एक आइडेंटिटी या एक पर्सनैलिटी रहने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट में। एक स्टेटमेंट कही गई है, ये कहा गया कि मैन अमंग्स दी फाइटर्स या मैन अमंग्स दी म्यूटिनियर्स, इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई इनको, क्योंकि ये लड़ी इतने शानदार तरीके से। आपने वो पोएम तो सुनी है, उसका मुझे एक लाइन बड़ी पसंद है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से उनकी जो आइडेंटिटी बनी, झांसी की आइडेंटिटी और उनकी आइडेंटिटी, कि कितने खतरनाक तरीके से, कितने शानदार तरीके से लड़ी। आपने पिक्चर या फिर तमाम जो मूवीज हैं या फिर टीवी सीरियल्स उनमें देखा होगा कि अपने बच्चे को कंधे पर बांध के वो लड़ रही हैं, किस तरीके से घुड़सवारी भी कर रही हैं, तलवार भी चला रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं। इससे आज की जितनी भी विमेन हैं उनके बारे में भी हमें समझ में आता है कि कितने मल्टीपल रोल्स वो अपनी लाइफ में साथ में बैलेंस करके चलती हैं। आपकी मदर्स हैं, आपकी वाइफ हैं या फिर आपकी सिस्टर्स हैं, कोई भी आपसे जिस तरीके से भी रिलेटेड है, सब कहीं ना कहीं आप देखिए कितना ज्यादा बैलेंस करके चल रही है, लाइफ को कैसे एस्टैब्लिश करके चल रही। और ये हमें समझ में आता है रानी लक्ष्मीबाई के डिवोशन से, इसीलिए इनको काफी याद रखा जाता है, इनको काफी रिलिश किया जाता है। कभी भी पर्सनैलिटी की बात आए 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, आप ये देखिए कि एक आपके लिए टैबलॉइड, एक जगह आपको एक छोटी सी बच्ची दिखेगी जो रानी लक्ष्मीबाई की ड्रेस पहन के रानी लक्ष्मीबाई के कपड़ों में आएगी, और आप जब सामने उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि रानी लक्ष्मीबाई साक्षात आपके सामने खड़ी। और वो चीज आपको इसीलिए समझ में आ रही क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। ये पर्सनैलिटी ऐसी है, ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अगर सामने इनको एक छोटे रूप में, बड़े रूप में किसी भी तरीके से देखें, आप टीवी में देखें, कहीं भी देखें, आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीग। और यहां से आपको समझ में आता है कि विमेन आर वेरी पावरफुल, और मैं हमेशा फॉलो करता हूं, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी भी है कि विमेन आर वेरी पावरफुल, और अगर वो चाहे तो जैसे हम जो हमारे हिंदी माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि वो सती भी है और वो चंडी भी है। जब आपने पढ़ा होगा जो आप काली माता के बारे में जनरली जानते होंगे, किस तरीके से उन्हें इनकार्नेशन लेके बहुत सारे लोगों को जो डेविल्स हैं या नेगेटिव एनर्जी उसको खत्म किया, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, एक बैलेंस एस्टैब्लिश है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारी स्टोरीज में, और उसको प्रूव करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके रानी लक्ष्मीबाई। अब यहां पर जिस तरीके से आप देखें ग्वालियर जो है, ग्वालियर को इन्हें कंट्रोल, जो सिंधिया थे, सिंधिया आगरा भाग जाते हैं और ग्वालियर जो है वो खाली छोड़ देते हैं, तो उससे फिर तात्या टोपे इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हमसे पर्सनालिटीज की बात करें। पर्टिकुलरली मौलवी अहमदुल्ला हमें समझ में आ गया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से समझ में आ गया, शाहमल, ये शाहमल जो है ये परगना बैरक के आसपास के इलाके के, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके थे। इनका इंपॉर्टेंट ये है कि इनने धीरे धीरे कोशिश कर, सेन्योर बैटरी, सेन्योर एक मिनट, बस एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, जस्ट अ मिनट, करंट द बैटरी। चलिए अब हम शामल की बात कर लेते हैं। शामल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसीलिए इनने धीरे धीरे जो 84 के आसपास के विलेजेस हैं इनको कंट्रोल में ले लिया था अपने, और धीरे धीरे ये खुद का राइन करने लगे थे, खुद सिस्टम्स को सॉल्व करने लगे थे, जस्टिस भी करने लगे थे। ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं जस्टिस सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे थे और जस्टिस भी धीरे धीरे ये करने लगे। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, यहां तक आपको जो मैंने रीजंस बताए वो आपको क्लियर हुए होंगे, रीजंस के बाद मैंने आपको और भी चीजें बताई वो आपको क्लियर हुई होगी। रीजंस के बाद हम जब बात करेंगे बुलेट की, हमने बात कर ली जो राइफल जो है इनफील्ड राइफल है जिसमें जो आप बुलेट्स वगैरह डालते थे, कार्ट्रिज डालते थे, उसके हमने बात की, हमने रिवॉर्ड्स की बात की जो अलग अलग जगह पे होने वाली है। अब ये देखिए बहादुर शाह जफर की आप फोटो देखिए, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये कितने कितने ज्यादा उम्र दराज हो गए थे। एक तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, उसके बाद काफी बूढ़े भी हो गए थे और ये बूढ़े होने की वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही थी। जो किंग्स एंड क्वींस जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ये माना जाता है 1/4 ऑफ द एरिया वॉज इन्वॉल्व इन द म्यूटिनी एंड 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/10 पॉपुलेशन इन्वॉल्व। तो आप देखिए 1/4 एरिया और 1/10 पॉपुलेशन, इसलिए भी कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है, ये पैन इंडिया इफेक्ट नहीं था। आप देखिए सिर्फ नॉर्थ इंडिया के आसपास मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, ये सारी एरिया, छोटे छोटे जो एरियाज हैं वहां पे आपको ये पटना हो गया, अवध के आसपास के इलाके मिल जाएंगे, कलकत्ता में हुआ, बरक्कापुर में हुआ और सतारा में हुआ, इन जगहों पर सिर्फ रिवोल्ट का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा।
जी हाँ, गंगाधर राव नाम था सौरभ दास उनका, गंगाधर नाम था उनका, पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कोई हायर नहीं था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो हम ये बात करने वाले हैं किस तरीके से जो क्लेरिक्स हैं, जमींदार हैं, सिविल्स हैं, पीसेंट्स हैं, इन सबके हमने नाम देख लिए, किंग्स एंड क्वींस के नाम देख लिए, जो आपके जमींदार हैं, कुंवर सिंह है जो बिहार से लड़ेंगे, कुंवर सिंह जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुंवर सिंह जो बिहार से लड़ते हैं वो भी जमींदार थे, जो पीसेंट्स इकट्ठे होंगे उनके बारे में भी हमने बात की, अवध में किस तरीके से पीसेंट्स इकट्ठे होंगे, पीसेंट्स कौन है, सिपाही जो है वो पीसेंट है, बस यूनिफॉर्म पहना है, अ सोल्जर इज अ पीसेंट इन द यूनिफॉर्म। क्लेरिक्स की बात की हमने, मौलवी अहमदुल्ला जो है वो आपके आने वाले हैं कहां से, मद्रास से आएंगे और वो अवध में आके लड़ाई करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं, बहुत सारे लोग रिवोल्ट करने वाले हैं, पर हम देखने वाले हैं किस तरीके से रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट किस तरीके से चला उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि रिवोल्ट फेलियर क्यों हुआ, रिवोल्ट के फेल होने के पीछे के जो रीजन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। और कल हम कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को समअप करके दूसरा चालू कर दे, जो हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं। किसी को कोई सवाल यहां तक, कोई डाउट है, एनी डाउट्स? लेक्चर को लाइक किया है कि नहीं आपने, गिव इट अ थम्स अप। एनीबडी एनी डाउट? नो प्रॉब्लम शिवा, यू कैन वॉच इट। जी हाँ, सौरभ, वील डिस्कस द रीजंस, वील डिस्कस द रीजंस पर्टिकुलरली व्हाई इट वाज फिटल, व्हाई इट वाज नॉट यूजफुल। चलिए ऋषिका, आप लोग लाइक करते जा रहे हैं, लेक्चर को लाइक करते जाइए, हूएवर इज वॉचिंग प्लीज गिव इट अ थम्स अप। शिवा, हैव यू लाइक्ड इट? गिव इट अ थम्स अप। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। राहुल, आपको क्लियर है? देखिए, आज की जो पीडीएफ है, मैं ये पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप सब शेयर कर लें, और आप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर लें। लेक्चर को लाइक करते जा रहे हैं, एवरीबडी हैज गिवन मी अ थम्स अप और नॉट, टेल मी, लेक्चर को लाइक कर दिया आपने? ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू शिवा। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहां पे समअप करते हैं। बार नेक्स्ट टाइम हम मिलने वाले हैं 8 o'clock टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल, स्टे सेफ, गुड नाइट। जो मैराथन सेशन है उसका मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा, जो भी होगा चैनल के द्वारा, और मैं अपने द्वारा पर्सनली आपको चैनल जो भी अपडेशन है मैराथन सेशन के वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्टे सेफ।